ब्रेक लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि मुंबई में गोरेगांव की आरे कॉलोनी जंगल से सटा रिहायशी इलाका है और यही वजह है कि इंसानों की बस्ती में तेंदुए के बढ़ते हमलों ने वहां रह रहे लोगों को दहशत में डाल दिया है। बताया ये गया है कि करीब 21 से 22 दिनों के भीतर तेंदुए ने 7 लोगों पर हमला किया। गनीमत ये रही कि इन हमले में बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन तेंदुए के हमलों की वजह से वहां रहने वाले लोग अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। न्यूज 18 की टीम ने आरे कॉलोनी में लोगों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि वो तेंदुए के हमले से कितना ज्यादा डरे हुए हैं। इलाके के लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। कितना डर है पूरे एरिया में? बहुत डर है, एरिया में पूरा घूम रहा है वो, खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई आबादी में घूम रहा है वो, हमला का तो जंगल है। हम लोगों को ज्यादा डर है, हमारे बच्चे लोग घर में रख रहे अभी। ओके, तो छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल? नहीं, बाहर निकलने नहीं दे रहे हम लोग, दिन में ही चलो, बहुत डर है वो, कहीं से भी आ जाएगा, फिर पीछे से आगे से कहीं से भी हम लोग, कभी कभी तो यहाँ से आ जाता है, ये बाजू में ही है, इधर से आ जाता है कभी कभी ऐसा, तो हम लोग डर है, बच्चों का भी डर है, बड़े लोग को भी तो करा, अभी वो इंसान तो आए नहीं, 5 मिनट बाहर नहीं बैठे तो वो हमला कर दिया, पीछे से उठा लिया। अच्छा हुआ कि उनके हाथ में डंडा था, मैं तो उनको तो लेके ही गया होता, बेचारे माजूर थे, हाथ पैर से माजूर थे वो, तो उनकी हिम्मत बोलो, जो उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाए, जो बच गए, आज वो नहीं दिखाते ना तो उनको पूरा वो कर देता था। पास में वट्टे पे सामने दरवाजे में आ गया एकदम, छह के बच्चे अंदर थे, उसकी माँ के सामने सामना हो गया, वो चिल्लाई। छोटे बच्चे को लेकर ज्यादा फिक्र है आप लोग की? हाँ, ज्यादा फिक्र है, हम लोग बाहर नहीं निकलते ना, बच्चे लोग को निकालते बाहर, डर की वजह से वो बच्चे लोग बाहर खेल भी नहीं पाते। तो ये बच्चे लोग को आप लोग घर के अंदर कितने में ले जाते हो? हम लोग 5 बजे ले लेते घर में बच्चे लोग को।